नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनएकेडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनएकेडमी के यूपी एग्जाम पे जुड़े हुए हैं आप दोस्तों। महामैराथन करंट अफेयर्स का जो सेशन है, ये सेशन है आपके 11 अक्टूबर के जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है यूपीपीएससी के, उसके लिए दोस्तों। जो 11 अक्टूबर का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है यूपीपीएससी का, वो काफ़ी कुछ आपके सपने, आपके आशाएं, आपके आकांक्षाएं, अभिलाषाओं को लेकर आने वाला है। और उसके लिए जो तैयारी है वो हम बहुत जोर शोर से कर रहे हैं आपके साथ 21 जुलाई से जो ये तैयारी हुई हो रही है दोस्तों। पूरी टीम हमारी यूपी एग्जाम की टीम अपने अपने विषय के साथ लगी हुई है कि आप हर विषय में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपना बेहतर परिणाम की अपेक्षा भी करें। आपके इस बेहतर परिणाम को सार्थक बनाने के लिए मैं करंट अफेयर्स का ये महामैराथन का सेशन लेके आ रहा हूँ, जो दोस्तों जो 8 महीने का जो करंट अफेयर्स, उसको फटाफट क्विक रिवीजन के माध्यम से, जिसमें हमने जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स एमसीक्यू के माध्यम से, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपके साथ चर्चा कर ली। आज मार्च का पार्ट 1 करेंगे, कल मार्च का पार्ट 2 करेंगे इसमें। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए कि सारे स्टूडेंट जो हैं वो ज्वाइन करें क्लासेस को, सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्लास को ज्वाइन करें। आप एक बार सभी को पोल दीजिए, एक बार सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सभी को कहिए कि क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। तो ये जो महामैराथन का जो सेशन है दोस्तों, इसके पहले एक और सेशन सुबह आज 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हम लोगों ने किया। और सुबह 6 से लेकर 8:30 बजे तक जो सेशन था, वो एक मॉडल टेस्ट पेपर के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए थे, जिसमें इंडियन पॉलिटी IR और अक्टूबर 2019 से लेकर दिसंबर 2019 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो आपके सामने रखे हुए थे। और इस सेशन के माध्यम से पूरा का पूरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करा दिया जाए एग्ज़ाम से पहले, कि 11 अक्टूबर को जब आप अपने एग्ज़ाम में बैठें तो आपके लिए जो प्रश्न हो वो नए ना हो, आपके लिए टॉपिक जो हो वो नए ना हो, और आप अपना बेहतर प्रदर्शन वहाँ कर पाए। तो सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का अभिनंदन है कि सभी लोग फटाफट क्लासेस को ज्वाइन करें। और क्लास को ज्वाइन करने के साथ जो MCQ जो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उस पर हम चर्चा करें आपके साथ, व्याख्या के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों मेरा नाम अनूप उपाध्याय, मैं आपका मेंटर कोच हूँ सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए। more than 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स का। मेंटर 10,000+ सिलेक्शन 280। दोस्तों अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसमें मैं आवाज़ तो सही आ रही है ना, एक बार बता दीजिए, जो वॉइस का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है ना, सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है। तो अनएकेडमी का अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया दोस्तों, तो अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा, बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको अनएकेडमी के सब्सक्रिप्शन से। और ये फ़ायदे आपको तब और भी ज़्यादा समझ में आएंगे जब आप प्लस की क्लास के नोट्स को UPPCS 2019 के जो मेंस के पेपर हैं उनके साथ मैच करेंगे। UPPCS 2019 का जो मेंस का पेपर, यहाँ जब आप क्वेश्चन को मैच करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको, चाहे आपके ऑप्शनल के हों ज्योग्राफी, जिसमें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का सेक्शन है, चाहे आपके GS पेपर 1 के हों, आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्लस के क्लास के नोट्स से फंस रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको पता है कि प्लस के क्लास के फायदे क्या है। उसके लिए आपको अनएकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और उसके बाद कोर्स में आपको State PSC सर्च करना है, State PSC में आपको UPPSC सर्च करना है, और उसके बाद आपको प्लस, प्लस के बाद गेट सब्सक्रिप्शन, और उसमें फिर आपको फी स्ट्रक्चर आ जाएगा 1 महीने से लेकर 24 महीने का। आपको अपनी सुविधा के हिसाब से फ़ी जो है चूज़ करना है। 24 महीने का जो फ़ी है वो 8,400 रुपये है, और 12 महीने यानी कि 1 साल के जो फ़ी है वो 7,000 रुपये है। आपको कोड यूज करना है Anup10, और इस कोड के माध्यम से आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है, और 10% ऑफ भी पाना है आपको अपने फ़ी में। 10% ऑफ मिल जाएगा आपको फ़ी में दोस्तों, तो इस कोड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए आप लोग। कोड आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, और फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, और फटाफट जुड़ने के बाद शेयर भी कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग नहीं जानते
तो उनके लिए मैं ये भी बता दूं कि सुबह 6 से 8 तक एक सेशन चला है, और इस सेशन को अगर आप लोगों ने मिस किया है तो ज़रूर उस क्लास को आप लोग देख लीजिए कि वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट्स हैं क्वेश्चंस वो आपको पता चल सके। 2.5 घंटे का सेशन है दोस्तों, और ये सेशन 10 अक्टूबर तक लगातार 6 से 8:30 बजे तक सेशन चलेगा। 9 से 10 का सेशन चलेगा, फिर 11 से 12 का सेशन स्पेशल पे। और दोस्तों एक आज मैं एक स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूँ 12:30 बजे, और ये सेशन है उत्तर प्रदेश PCS पर, जो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बीच में जो भेदभाव हो रहा है, जो सिलेक्शन है। इस बार हमने देखा कि 2014 याद आ गया दोस्तों, 2014 में जब CSAT के खिलाफ उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के विभिन्न शहरों में और देश की राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर के क्षेत्र में जिस प्रकार स्टूडेंटों ने एक विरोध प्रदर्शन किया, और विरोध प्रदर्शन करने के बाद उनको जीत भी मिली, संसद तक हिंदी भाषी छात्रों की गूंज पहुंची और अखबारों की सुर्खियों से लेकर टेलीविजन चैनल की सुर्खियां बनी, आज फिर से वही समय आ गया दोस्तों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग में हिंदी बनाम अंग्रेजी का मुद्दा चला और अभी भी चल रहा है, वैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी यह मुद्दा जोर शोर से पकड़ चुका है 2018 के रिजल्ट के बाद। इसी को लेकर 12:30 बजे मैं एक स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूं, सेशन को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और उसके बाद शाम को 4 बजे ज्योग्राफी का क्लास है, रात को 10 बजे इन्वायरमेंट का MCQ है, तो वो सारी क्लासेस आपको पता ही है। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और शेयर करके अपने सारे फ्रेंड्स को बुला दीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये है, मार्च का सेशन है, मेघा त्रिपाठी, जुगनू चौधरी, प्रीति तिवारी, निशा खंडवाल, पूनम सिन्हा, जानवी पांडे, रूबी रानी, सौविज्ञ, रोशनी पांडे, पूनम सिन्हा, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है, और जितेंद्र सोनी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, विच स्टेट रिसेंटली पास रिजोल्यूशन टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस इन द स्टेट। हाल ही में किस राज्य में, बात मार्च की हो रही है, जाति आधारित जनगणना करने का प्रस्ताव पारित किया है, केरल, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। और आपका समय शुरू होता है, समय आपका शुरू हो चुका है दोस्तों, आपको राइट आंसर बताना है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। और लाइक शेयर करते रहिए आप लोग दोस्तों, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रेंड्स को इनवाइट करते रहिए, और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं एक तरह से क्विक रिवीजन होगा, और यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा राज्य है जिसने जाति आधारित गणना का प्रस्ताव पारित किया है, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। आवाज सभी को क्लियर आ रही है, और दोस्तों जिन्होंने भी कहा बिहार यानी कि बी, वो सभी के उत्तर सही हैं। बिहार सरकार ने, बिहार विधानसभा ने मार्च में राज्य में जाति आधारित जनगणना प्रस्ताव पारित किया था, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव रखा, इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष ने घोषणा की कि प्रस्ताव पारित करके ठीक है इसको केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ऑफर्ड एन इंडिजेनियस मल्टी रोल चॉपर टू द इंडियन आर्म फोर्स। किस संगठन ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को स्वदेशी बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर प्रदान की है, DRDO ने, HAL ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, या लार्सन एंड टेबो ने। और आपका समय शुरू होता है, अब समय शुरू हो चुका है दोस्तों, लाइक शेयर करते रहिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इनवाइट कीजिए। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ऑफर्ड एन इंडिजेनियस मल्टी रोल चॉपर टू द इंडियन आर्म फोर्स। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, लर्सन एंड टर्बो LNT। समय समाप्त हो गया दोस्तों, देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने भी कहा बी यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, वो सभी के उत्तर सही हैं, और बेंगलोर का जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, इन्होंने स्वदेशी मल्टी रोल चॉपर इंडियन आर्म फोर्स को प्रदान किया है, और ये चॉपर है वो मीडियम लिफ्ट चॉपर सच एस MI-17 कामोस एंड अपने मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर से MI-17 कामोस और सिकिंग को वहाँ से बदलना है, और कंपनी ने घोषणा की है कि कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है LCI जो है आर रेडी टू ऑपरेशनल
रिडक्शन इन द सर्विसेज। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, विच स्टेट हैज रिसेंटली रिड्यूस द रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू 58 ईयर्स। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 58 वर्ष कर दी है? उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब या आंध्र प्रदेश। और आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है कौन सा राज्य सरकार है जिसने अपने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को घटाकर 58 वर्ष कर दी है। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मैक्सिमम स्टूडेंट अभी भी ऑनलाइन नहीं शो हो रहे हैं। समय समाप्त हो गया दोस्तों। जिन्होंने भी कहा पंजाब वो सभी के उत्तर सही होंगे। सी, जिन्होंने कहा वो सभी के उत्तर सही होंगे। पंजाब हैज रिसेंटली अनाउंस्ड ड्यूरिंग द स्टेट बजट दैट इट हैज रिड्यूस द रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू 58 ईयर्स फ्रॉम द करेंट लिमिट ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस LNG बस वॉस लॉन्च इन विच स्टेट। भारत की पहली व्यावसायिक लिक्विफाइड संपीड़ित प्राकृतिक गैस बस जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, राजस्थान। और आपका समय शुरू होता है अब। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सुमन पाल, गुड मॉर्निंग। लाइक शेयर करते रहे दोस्तों, अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाइए और लाइक का आंकड़ा बढ़ते रहे, व्यूज़ का आंकड़ा बढ़ते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी के व्हाट्सअप का स्टेटस, फेसबुक का पोस्ट होना चाहिए, सारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बस वॉस लॉन्च इन विच स्टेट। भारत की पहली व्यावसायिक लिक्विफाइड संपीड़ित प्राकृतिक गैस किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? आपको बताना है दोस्तों, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, राजस्थान। और आपका समय शुरू हो गया दोस्तों, खत्म हो गया। जिन्होंने भी कहा केरल वो सभी के उत्तर सही है। बी, जिन्होंने कहा, यहाँ पूनम सिन्हा के उत्तर मुझे अभी तक सही नजर आ रहे हैं। बी, जिन्होंने कहा वो सभी के उत्तर सही। इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बस विच वॉज डेवलप्ड बाई पेट्रोनेट वॉस रिसेंटली लॉस इन सिटी ऑफ कोची केरला। जानवी पांडे, दिशा खंडवाल के उत्तर सही है। तो केरल जो है दोस्तों वो पहला राज्य है जिसने ये प्रक्रिया की। मीरा तिवारी के भी उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिसेंटली पार्टनर विथ विच पावर बेस्ड कंपनी टू इंस्टॉल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस पावर कंपनी के साथ साझेदारी की? NTPC, पावर ग्रिड, डाटा पावर, NHPC लिमिटेड। समय शुरू। राइट आंसर बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। बिल्कुल जानवी पांडे, आपका भी उत्तर सही है। पांचवा प्रश्न समय समाप्त हुआ दोस्तों, देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा NTPC लिमिटेड वो सभी के उत्तर सही। NTPC लिमिटेड हाल ही में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और NTPC 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे 25 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन को स्थापित करेगा जिसकी लागत 80 करोड़ रुपये की है। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह, एज ऑफ 2020 विच इंडियन फिनांस मिनिस्टर हैज प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनियन बजट। वर्ष 2020 तक वो कौन से भारत के वित्त मंत्री जिन्होंने अधिकतम संख्या में केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया है? प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम, मोरारजी देसाई या यशवंत सिन्हा। और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा 2020 तक केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन है? समय समाप्त हो गया दोस्तों, देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा सी, मोरारजी देसाई, वो सभी के उत्तर सही। मोरारजी देसाई जो है वो राइट आंसर है। और फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई हु वाज आल्सो द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड 10th यूनियन बजट। ठीक है। अभी तक सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बजट पेश किया मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के बाद पी चिदम्बरम में 9 बजट और प्रणब मुखर्जी ने 8 बजट पेश किए। दोस्तों जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हुए हो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी का ऐप अगर आपने डाउनलोड किया है तो अनअकैडमी के ऐप पे अनूप उपाध्याय सर्च कीजिए, वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ आप मैसेज के चलते मैसेज करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कोई भी आपको
दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं वहाँ। और अगर आपने अभी तक प्लस का कोर्स नहीं लिया तो इस कोड के माध्यम से आप प्लस का कोर्स ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही है। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट अफरोज शाह हु वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली फॉर कॉपरेटिंग विद द मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे इन रिवर क्लीन अप इज फ्रॉम विच स्टेट। पर्यावरण कार्यकर्ता अफरोज शाह जो हाल ही में नदी की सफाई में नॉर्वे के मंत्री के साथ सहभागिदारी के लिए खबरों में सुर्खियों में बने हुए थे, वो किस राज्य से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड। और आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है कि किस राज्य से हैं दोस्तों। लाइक शेयर करते रहे दोस्तों और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप लोग बुलाइए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आप लोग इन्वाइट कीजिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक शेयर होना चाहिए। उत्साह में जो कमी है ये भविष्य के लिए सार्थक नहीं है। आपके उत्साह में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। उत्साह में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए आपके। और देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। दोस्तों जिन्होंने कहा बी महाराष्ट्र, और यहां आंसर अभी तक मुझे जयंत शिरोन के आए हैं, जानवी पांडे के भी, बी महाराष्ट्र जो है वो राइट आंसर है। और नॉर्वे मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट डैग इंग उलिस्टीन जब 3 दिन के भारत की यात्रा में थे, ठीक है, तो वो मीठी रिवर जो कि आपका मुंबई में है, ये क्लीन अप विथ इन्वायरमेंट अफरोज शाह के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। तो अफरोज शाह जो है वो महाराष्ट्र से हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। विच स्टेट रिसेंटली ऑर्डर द प्रोविजन ऑफ ऑनलाइन सप्लाई ऑफ फूड विदाउट हाइजीन रेटिंग फ्रॉम फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। किस राज्य ने हाल ही में खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों से स्वच्छता रेटिंग के बिना भोजन की ऑनलाइन आपूर्ति को निषेध करने का आदेश दिया है? केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान। और आपका समय शुरू होता है अब। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आपके मार्च के हैं, और हम लोग 11 अक्टूबर को जो आपका UPPCS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके लिए लगभग 1 साल के करेंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहे हैं। और 6 से 8 बजे तक सुबह, आज तो 8:30 बजे तक क्लास चली दोस्तों, जिसमें हम लोग आपके साथ, मैं 11 मॉडल टेस्ट पेपर के साथ बना रहूँगा। 11 मॉडल टेस्ट पेपर पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों, जिसमें आज पहला मॉडल टेस्ट पेपर हो गया, जिसमें हमने 120 क्वेश्चन पर चर्चा किया। और ये 120 क्वेश्चन आपके पॉलिटी, गवर्नेंस और करंट अफेयर्स के थे। बहुत ही शानदार सेशन रहा दोस्तों, बहुत आप लोगों ने जिस प्रकार से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हो। कल मॉडल टेस्ट पेपर 2 होगा दोस्तों, फिर मॉडल पेपर 3, ऐसे करके 6 से 8 बजे तक का, फिर 9 बजे से आप जान ही रहे हैं ये सेशन हो रहा है। फिर इसके बाद यूट्यूब पे ही अगला सेशन कहें तो अगला सेशन 4 बजे शाम को ज्योग्राफी का, और रात को 10 बजे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेशन है। तो ये सारे सेशन आप लोग करते रहिए, किसी भी सेशन को आप लोग को मिस नहीं करना है, ठीक है, ये सारे सेशन। और इसमें मेरी पूरी कोशिश है कि आपको एग्ज़ाम से पहले 3000 के आसपास तक प्रश्नों का मैं 10 दिन में रिविज़न करा दूँ कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। जिन्होंने भी कहा सी पंजाब, वो सभी के उत्तर सही हैं। यहाँ प्रीति तिवारी, मीरा तिवारी के उत्तर मुझे नज़र आ रहे हैं, मेघा त्रिपाठी, जिन्होंने सी कहा उत्तर सही है दोस्तों। और पंजाब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली अनाउंस डेट द स्टेट हैज़ प्रोविडेड द ऑनलाइन सप्लाई ऑफ फूड विदाउट हाइजीन रेटिंग फ्रॉम फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, ठीक है। तो पंजाब जो राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है। मोहद्दीन यासीन किस देश के प्रधानमंत्री की शपथ लिए हैं? कतर, मलेशिया, ईरान या सऊदी अरबी। और आपका समय शुरू होता अब। मोहद्दीन यासीन रिसेंटली स्वॉन इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। मोहद्दीन यासीन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? देखते रहिए दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स आज ऑनलाइन नहीं शो हो रहे हैं। और लाइक शेयर में कोई कमी नहीं दोस्तों, लाइक शेयर में कोई नहीं कमी। और लगभग मैंने कहा कि 3000 के आसपास प्रश्नों की चर्चा हम आपके साथ करेंगे 10 दिन के अंदर। लगभग 3000 प्रश्न की चर्चा आपके साथ 10 दिन में करेंगे। और ये 3000 जो प्रश्न होंगे इसमें से कोशिश यही है कि UPPCS के जो 150 प्रश्न आते हैं उसमें से 100+ क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले, चाहे वो आपके हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, करंट अफेयर्स हो, यूपी स्पेशल हो, सोशल स्कीम्स हो, मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स हो, कहीं से भी आपको मेरी क्लास में से आपको 100 के आसपास प्रश्न तो देखने को मिले, ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात। दोस्तों जिन्होंने कहा मलेशिया, वो सभी के उत्तर सही हैं। मलेशिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया मोहद्दीन यासीन हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ कंट्री न्यू प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है। व्हेन इज द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर में सालाना शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी 28, मार्च 1, मार्च 3, मार्च 5। और आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है विश्व भर में।
और इसके पहले वाले प्रश्न में जुगनू का भी उत्तर मलेशिया सही है, ठीक है। और सभी लोग सुबह 6 बजे वाला सेशन भी ज़रूर कोशिश कीजिए। अगर मैं आप लोगों के लिए अपनी नींद हराम कर सकता हूँ तो आपको, आपका भविष्य आपको तो सुबह 6 बजे, जैसे कल रात को मैं 11 बजे तक आप लोग के साथ था, उसके बाद फिर मैंने आपके लिए सुबह 6 की क्लास तैयार की। 6 बजे मैं आपके साथ था, 5:30 बजे से मैं आपके साथ था बाई मैसेज। तो आप लोग भी जुड़िए दोस्तों, क्योंकि आपके भविष्य के लिए हो रहा है। आप बनोगे, आप अधिकारी बनोगे, आप पढ़ोगे, आप आगे बढ़ोगे। तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि आप क्लास मिस ना करें। और अगर आप क्लास मिस कर रहे हैं और आपको, आपकी नींद प्रायोरिटी है, तो भैया आपका भविष्य चौपट है, ये मान के चलिए। अगर आप अपनी नींद को प्रायोरिटी देते हैं और आप गधा बेच के सोना पसंद करते हैं, तो दिन दूर नहीं जब लोग आपको गधे के रूप में ही जानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों मार्च 1 जो है वो राइट आंसर, और 0 डिस्क्रिमिनेशन डे जो है हर साल जो है मार्च 1 को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड एन AI पावर्ड ड्रोन टू काउंटर अनरेगुलेटेड अनमैन्ड ड्रोन्स। भारतीय संस्थान ने मानव रहित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए AI सचिव ड्रोन को विकसित किया, किस मानव, आपको बताना किस इंस्टीट्यूट ने किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, DRDO लेबोरेटरी। और आपका समय शुरू होता है अब। मनीष पांडे, सुविक वर्मा, रोहित कुमार, ऋतु विश्वकर्मा, ये 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, आपको बताना है राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। दोस्तों जिन्होंने कहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, वो सभी के उत्तर सही है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी जो है वो राइट आंसर है। पूनम सिन्हा का उत्तर यहां दिख रहा है, ठीक है। सी जो है वो राइट आंसर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ड्रोन टू काउंटर द अनरेगुलेटेड अनमैंड ड्रोन, और इसको रफ ड्रोन कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये है। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज बीन नेम्ड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर एट द टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019। भारत के किस खिलाड़ी को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के लिए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, PV सिंधु, हरमनप्रीत कौर। और आपका समय शुरू होता है अब। कश्मीर की कली, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आप लोग को याद रखना है कि सुबह छः से आठ समझ लीजिए, जिसमें हम मॉडल क्वेश्चन लगभग 100 से ऊपर, आज 120 क्वेश्चन की चर्चा की थी। फिर 9 से 10 आप लोग करंट अफेयर्स MCQ कीजिए, लास्ट 8 महीने के। फिर उसके बाद शाम को 4 बजे से ज्योग्राफी MCQ कीजिए दोस्तों। फिर रात को 10 बजे इन्वायरमेंट MCQ कीजिए दोस्तों, जो कि सेशन स्टार्ट हो चुका है। 9 से 10, 4 से 5, 6 से 8 सुबह। और इसके अलावा ऐप पे तो आप लोग क्लास कर ही रहे हैं, ठीक है। लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी यानी कि PV सिंधु, वो सभी के उत्तर सही हैं। सुविज्ञ वर्मा के उत्तर, रोहित कुमार के उत्तर मुझे दिख रहे हैं सही, ठीक है। रोहित कुमार ने फिर अपना उत्तर चेंज किया, मैरी कॉम को कहा, ठीक है। मीरा तिवारी, प्रीति तिवारी, जानवी पांडे, सी जिन्होंने कहा वो सभी के उत्तर सही हैं। मेघा त्रिपाठी, PV सिंधु को स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2019 दिया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड। चलिए अगला प्रश्न। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च अ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम टाइटल I am also digital। किस राज्य ने हाल ही में एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया जिसका शीर्षक है I am also digital। उड़ीसा, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। और आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना राइट आंसर क्या है दोस्तों। लाइक शेयर करते रहिए, लाइक शेयर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं। और कैसे लग रहे हैं प्रश्न दोस्तों, आप लोग बताइएगा प्रश्न कैसे हैं, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आप लोग को, एंजॉय कर रहे हैं प्रश्नों को। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं जरूर बताएं, एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं आप प्रश्नों को दोस्तों। जिन्होंने कहा 13 का राइट आंसर देखते हैं। जिन्होंने कहा केरल, वो सभी के उत्तर सही। और केरल सरकार ने लिटरेसी कैंपेन जो है, डिजिटल लिटरेसी कैंपेन चालू किया है, जिसका नाम है I am also digital। उसका शीर्षक रखा है, और इसका जो पूरा एम है वो है कि स्टेट के कॉमन सिटीजन तक इसके बेनिफिट्स को पहुंचाएं। और इस कैंपेन को जो इनिशिएट किया था, इसकी शुरुआत की थी केरल लिटरेसी मिशन एंड केरला स्टेट IT मिशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। और इसका पूरा उद्देश्य यही है कि इसको पीपल पार्टिसिपेटरी मॉडल
के तहत क्या किया जाए, सोसाइटी को डिजिटल किया जाए। ध्रुव आर्यवत नमस्कार। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये है, चलासानी वेकेंट नागेश्वर को हाल ही में किस भारतीय बैंक के उप प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, और आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है कि चलासानी वेंकट नागेश्वर वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच इंडियन बैंक? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो चुका है दोस्तों, आपको बताना राइट आंसर क्या है। ठीक है, राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों क्या है। दोस्तों जिन्होंने भी कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो सभी के उत्तर सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो राइट आंसर है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस द चलासानी वेंकट नागेश्वर हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द बैंक। ही इज प्रेजेंटली सर्विंग एज द डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर। ठीक है, तो जिन्होंने भी कहा बी, वो सभी के उत्तर सही। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च 2020? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2020 का विषय क्या था? थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज, आई एम जनरेशन इक्विटी, रियलाइजिंग वुमेन राइट्स, टाइम इज नाउ, रूरल एंड अर्बन एक्टिविटी ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन्स लाइफ, या रोल ऑफ वुमेन इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। और आपका समय शुरू होता है अब, आपको बताना राइट आंसर क्या है। राइट आंसर क्या आपको बताना है दोस्तों, वट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च 2020? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2020 का विषय क्या है? थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज, आई एम जनरेशन इक्वलिटी, रियलाइजिंग वुमेन राइट्स, टाइम इज नाउ, रूरल एंड अर्बन एक्टिविटी ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन्स लाइफ, रोल ऑफ वुमेन्स इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। ये आपके प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, और आपका टाइम समाप्त हुआ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा बी, यानी कि आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग द वुमेन राइट्स, वो आपके मार्च 8, 2020 का आपका थीम था। जिन्होंने भी बी कहा वो सभी के उत्तर सही होंगे। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन मार्च 8, और इस बार का जो थीम था आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट्स, और जो थीम था वो यूएन का लाइन था, यूएन वुमेन्स न्यू मल्टी जनरेशन कैंपेन जनरेशन इक्वलिटीज के ऊपर, और ये 25वीं एनिवर्सरी थी बीजिंग डिक्लेरेशन के बाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये, द ट्रेडिशनल फेस्टिवल कॉल्ड फागली इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? फागली नामक पारंपरिक त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, और आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है दोस्तों कि फागली जो है वो किस राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सुमनपाल, रूबी रानी, ऋतु विश्वकर्मा। फागली, समय समाप्त हुआ, देखते हैं दोस्तों क्या है। हिमाचल प्रदेश, जिन्होंने भी कहा सी, वो सभी को उत्तर सही है। हिमाचल प्रदेश का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है फागली, और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में यह मनाया जाता है। द एनुअल फेस्टिवल में सेलिब्रेटेड इन सेवरल ईयर्स टू ऑब्जर्व विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, और ये जो है काफ़ी सारे वर्षों से इस त्यौहार को मनाया जाता है, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत को पालन करने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है दोस्तों फागली। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये है, विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक वेव द मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑल सेविंग बैंक्स अकाउंट? भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के वो कौन सा बैंक है जिसने सभी बचत बैंक खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता की जो एक सीमा होती है ना, उसको समाप्त कर दिया है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कनारा बैंक, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? और आपका समय शुरू होता है अब। आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक वेव द मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, एक जो आपको होता है ना न्यूनतम आपके खाते में धन होना चाहिए, उसको किस बैंक ने रिफ्रेश कीजिए कश्मीर के कले। दोस्तों समय समाप्त हो गया। जिन्हें भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा सभी के उत्तर सही है। द लार्जेस्ट लेंडर ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड दैट द पेनल्टी चार्जेस ऑफ नॉन मेंटेनेंस ऑफ एवरेज मंथली बैलेंस फॉर ऑल इट्स सेविंग अकाउंट्स आर टू बी वेव्ड। ठीक है, और पहले क्या होता था कि 3,000, 2,000, 1,000 जो है
वो एरिया के हिसाब से, जैसे कि अगर आप मेट्रो सिटी में आपका खाता है तो 3,000, सेमी अर्बन में 2,000 और रूरल एरिया में 1,000 आपके खाते में होना चाहिए, नहीं तो आपको 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक क्या होते थे, पेनल्टीज लगती थी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, SS देसवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स। SS देसवाल को किस भारतीय अर्धसैनिक बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, CRPF, CISF, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF, और आपका समय शुरू होता है। अब कैसे लग रहे हैं दोस्तों, प्रश्न जरूर बताइएगा, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? समय समाप्त हो गया दोस्तों, देखते हैं राइट आंसर क्या है। जिन्होंने भी कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि DO, सभी के उत्तर सही हैं। द इंक्रीमेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स SS देसवाल हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ DG बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के, ठीक है। तो जिन्होंने भी डी कहा यानी कि सीमा सुरक्षा बल कहा, सभी के उत्तर सही हैं। अभी तक किसी के उत्तर मेरे स्क्रीन पर सही नहीं आया है, अभी तक किसी ने डी उत्तर नहीं दिया। चलिए अगला प्रश्न, ध्रुव आर्यवत क्या है लेकिन काफ़ी लेट आए हैं, ऋतु विश्वकर्मा क्या है लेकिन काफ़ी लेट आए हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री पास्ट अ बिल टू अलाउ द प्रेसिडेंट टू कॉन्टेस्ट इज प्रेसिडेंटल इलेक्शन आफ्टर 2024। किस देश के संसद ने राष्ट्रपति को 2024 के बाद भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए एक विधेयक पारित किया है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना। आपका समय शुरू होता है, अब आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। किस देश की संसद ने राष्ट्रपति को 2024 के बाद राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए एक विधेयक पारित किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया या चाइना। आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। समय धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, आपको राइट आंसर बताना है। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक प्लस का एडमिशन नहीं लिया है वो इस कोड के माध्यम से प्लस का एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि इस बार UPPCS मेंस के अगर आप लोगों ने कोर्स क्वेश्चन देखे होंगे तो प्लस के जो नोट्स हैं उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में देखने को मिले हैं। लगभग 16 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में देखने को मिले हैं, जो कि प्लस के क्लासेस में जिसमें हमने चर्चा किया है। और अभी तो 3 महीने का कोर्स हुआ, 3 महीने में अगर 16 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं ऑप्शनल में, और GS के पेपर में भी अधिक से अधिक क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है प्लस का कोर्स। और अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया है तो मुझे यहाँ अनूप उपाध्याय नाम से वहाँ फॉलो कर लीजिए कि मेरे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। जिन्होंने भी कहा रशिया, वो सभी के उत्तर सही हैं। और यहाँ जुगनू चौधरी के उत्तर, प्रीति तिवारी के उत्तर, ज्योति यादव के उत्तर सही दिख रहे हैं, मेघा त्रिपाठी के उत्तर दिख रहे हैं, ठीक है। तो रशिया जो है वो राइट आंसर है दोस्तों। और द फेडरेशन काउंसिल, द अपर हाउस ऑफ द रशियन पार्लियामेंट, अप्रूव द प्रेसिडेंटल बिल ऑन अपेंडिंग द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द लोअर हाउस पास्ट इट, ठीक है। तो रूस में चीज किया गया। और ये अगला देखते हैं प्रश्न क्या है, विच ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस असिस्टेंस ऑफ $200 million टू मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू डेट वर्क टू कॉम्बैट COVID-19। किस वैश्विक वित्तीय संगठन ने COVID-19 से निपटने के लिए एक दवा निर्माण कंपनी जो इस सेक्टर में काम करे उसको $200 मिलियन की सहायता करने की घोषणा की है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक या ब्रिक्स। और आपका समय शुरू होता है अब। आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी वो संस्था है जिसने प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको उत्तर बताना है दोस्तों। एशियाई बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या ब्रिक्स, आपको राइट आंसर बताना है। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। जिन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा यानी कि ए कहा, वो सभी के उत्तर सही है। और ADB ने क्या किया है कि $200 डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की है, जो कंपनियां COVID-19 की, जो भी मेडिसिन की कंपनियां हैं COVID-19 के लिए जो दवाई बना रही थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही है, निगाह ए मोबाइल एप्लीकेशन टू कर्व इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट। निगाह एक चुनावी दुर्भावना को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन किस भारतीय राज्य की एक पहल है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश। और आपका समय शुरू होता है अब। निगाह चुनावी दुर्भावना को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन किस भारतीय राज्य की एक पहल है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात या आंध्र प्रदेश।
निगाह जो है आपको बताना है किस भारतीय राज्य की पहल है चुनावी दुर्भावना को रोकने के लिए। ठीक है, 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आपको राइट आंसर बताना है। दोस्तों जिन्होंने कहा आंध्र प्रदेश, वो सभी को उत्तर सही है। डी आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च ए मोबाइल एप्लीकेशन विच एम्स एट द कर्बिंग द माल प्रैक्टिस अकरिंग ड्यूरिंग द इलेक्शन। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश राज्य का ये कैंपेन है निगाह। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। द ट्रेडिशनल फेस्टिवल कॉल्ड फागली इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। क्वेश्चन रिपीट है, फिर भी आप लोग देखते हैं। फागली नामक पारंपरिक त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। और आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है कि फागली जो है वो किस राज्य से संबंधित है। द ट्रेडिशनल फेस्टिवल कॉल्ड फागली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। फागली नामक पारंपरिक त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, द ट्रेडिशनल फेस्टिवल कॉल्ड फागली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। फागली नामक पारंपरिक त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये फ्री हिट था और मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका सही उत्तर दे ही चुके होंगे। 23वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यू डाटा फ्रॉम द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, विच कंट्री हैज द इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर्स। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा या सबसे ज़्यादा जिन्होंने हथियारों का निर्यात किया? यूनाइटेड स्टेट, रशिया, फ्रांस या चाइना। और आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। अकॉर्डिंग टू द न्यू डाटा फ्रॉम द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक देश कौन सा है? प्रश्न कैसे लग रहे हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। और इस प्रकार के ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं आयोग में, लगभग ऐसे ही 3000 प्रश्नों की चर्चा हम आपके साथ अलग अलग विषयों में करेंगे। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकॉनमी, गवर्नमेंट स्कीम, यूपी स्पेशल, जनसंख्या, ऐसे करके मैक्सिमम आपसे आएंगे। और देखते हैं 23वां का उत्तर क्या है दोस्तों। जिन्होंने भी कहा यूनाइटेड स्टेट यानी कि ए, और यहाँ जुगनू चौधरी, ज्योति यादव, सौविग्य वर्मा, प्रीति तिवारी, मीरा तिवारी, दिशा खंडवाल के उत्तर मुझे सही दिख रहे हैं, ए। तो जो सिप्री की नई रिपोर्ट आई है दोस्तों, उसमें 2015 से लेकर 2019 तक का जो देखा गया उसमें 23% तक देखा गया है कि ग्लोबल आम एक्सपोर्ट्स जो है उसमें वृद्धि हो गई है। और सबसे बड़ी हिस्सेदारी अगर किसी की है तो वो अमेरिका की है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। रागेश चपलोत, राजेश यहाँ योगेश हो गया है, रागेश चपलोत जिन्हें युगांडा का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन प्राप्त हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। आपको बताना है कि राजेश चपलोत जिनको युगांडा का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन प्राप्त हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? राजनीति, खेल, नौकरशाही या व्यापार। और यहां समय समाप्त, देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। दोस्तों जिन्होंने भी कहा डी यानी कि बिजनेस, व्यवसाय से जुड़े हुए, राजेश चपलोत, वो सभी के उत्तर सही हैं। मनीष पांडे का उत्तर यहाँ सही आया है। और युगांडा का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन प्राप्त हुए, राजस्थान के निवासी हैं और NRI हैं। कंपाला में आयोजित एक समारोह में युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये पुरस्कार उन्हें विकासशील भारत के लिए योगदान के लिए प्रस्तुत किया है। युगांडा व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नाम है इनका राजेश चपलोत और इनको बिजनेस के लिए मिला। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है। इंडियन माउंटेनियर भावना देहरिया व सक्सेसफुली स्केल माउंट कोसिस्को, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ विच कंट्री। भारतीय पर्वतारोही भावना देहरिया ने सफलतापूर्वक माउंट कोसिस्को को प्रवेश किया, यह किस देश की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी है, ज्योग्राफी में आपको बताना है। ब्राजील, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। और आपका समय शुरू होता है अब। Ahem.
समय आगे की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। भारतीय पर्वत है, ब्राजील, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, और आपका समय समाप्त हो गया दोस्तों। दोस्तों जिन्होंने विकासी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ रोती विश्वकर्मा, जुगनू चौधरी, ज्योति यादव, मीरा तिवारी, प्रीति तिवारी, मेघा त्रिपाठी के उत्तर सी नजर आ रहे हैं, और इंडियन माउंटेनर भावना देहरिया व सक्सेसफुली स्किल्ड ध्रुव आर्यवत। सुमन पाल, सबके सी उत्तर हैं और सभी के उत्तर सही हैं। तो आपका जो ये पीक, ये जो आपका माउंटेन है, सेवन समिट के बारे में जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें से आपका ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और ये आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त हो गया। अगली मुलाकात हम लोग की अभी 12:30 बजे होगी, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हिंदी बनाम अंग्रेजी के मुद्दों में। ये हॉट टॉपिक है दोस्तों, जैसा कि हॉट टॉपिक था संविदा का, जिस पर लगभग 9,500 के आसपास व्यूज़ है, उसी तरह ये हॉट टॉपिक है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हिंदी बनाम अंग्रेजी का, जो एक युद्ध छोड़ चुका है और जो इलाहाबाद के या उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा है कि किस प्रकार से हिंदी बनाम अंग्रेजी, और लगभग 950 सीटों में अगर हम बात करें तो मोर देन 60% जो सीट है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुके हैं, मतलब सेलेक्ट हो रहे हैं, और किस प्रकार से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, गांव के स्टूडेंट, सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले स्टूडेंट, जैसे यूपीएससी में हिंदी माध्यम का सिलेक्शन घट रहा है, वैसे यूपीपीएससी में इस बार यही देखने को मिल रहा है। और इस पर अगर किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगाई गई तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदी माध्यम का जो छात्र है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा से ही अपने आप को बाहर जाता हुआ देखे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर 12:30 बजे हमारी मुलाकात होगी दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा। मैं इवेंट ज़रूर शेयर करूँगा, आप इस इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और क्लास कैसे लगी ज़रूर बताइए, और जुड़े रहिए मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर 10 दिन के अंदर रिविज़न करने के लिए। और जिन्होंने अभी तक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया दोस्तों, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। स्टेट पीएससी पा के यूपीपीएससी प्लस प्लस के बाद गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन के बाद फ़ी स्ट्रक्चर, 2 साल का फ़ी आपको पता ही है 8400 है, और 1 साल का फ़ी जो है 7000 है। कोड आपको पता है, ये कोड यूज करना आपके स्क्रीन पर अनूप10 कोड है। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आपको क्लासेस के बारे में टाइम पर जानकारी मिलते रहे। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, कोड आपको याद ही होगा अनूप10, और इस कोड को याद ही नहीं रखना है, इसको क्या करना है, इस कोड को आपको यूज करके अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।